एशियन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आरबीआई ने बैंकों के ऊपर एक नया कानून लगाया है जिसका नाम है ECL, और इसके कारण मार्केट है उसके अंदर दबाव है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्या ये नियम सही है या नहीं है, इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है और कितना सही और कितना गलत होगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरीडे मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये पूरे वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आप यहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंट्राडे के अंदर भी बहुत सारे जो ट्रेड हैं वो दिए जाते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। अब चलते हैं जो न्यूज़ है उसके ऊपर। तो ECL, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इसको समझने से पहले मैं आपको यहां पे दो तीन चीजें बता देता हूं, जो NPA होता है और एक होती है प्रोविजनिंग, ठीक है। अब NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कोई बैंक है लोन देता है, उस लोन दिए हुए लोन पर ना तो इंटरेस्ट आता है और ना ही प्रिंसिपल आता है 90 डेज के लिए, 90 डेज तक नहीं आता है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दे दिया जाता है। और उसकी एक होती है प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मीनिंग होता है कि उनको जो बैंक हैं उनको यहाँ पे घाटा लेना पड़ेगा, उनको मतलब जो बुक्स हैं उनके अंदर लिखना पड़ेगा कि हमें इतना मतलब हमने बैलेंस शीट के अंदर इतना घाटा ले लिया है, अब हमारा जो इतना अमाउंट है जो लोन दिया हुआ था वो नहीं आने वाला, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो रहा था पहले, जो ये ECL रूल लागू हुआ है इसको थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब तक बैंक क्या कर रहे थे। अब तक बैंक ये करते थे कि जो प्रोविजनिंग करते थे ये NPA होने के बाद में, यानी बैंकों को घाटा हो जाता था उसके बाद में बुक्स के अंदर यहाँ पे लिखते थे, प्रोविजनिंग करते थे कि उनको इतना घाटा हो चुका है, और वो अपने प्रॉफिट में जो रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली उनके अंदर से उस जो घाटे को लिए हुए घाटे को यहाँ पे दर्शाते हैं और घाटा तब बुक करते हैं कि उनको घाटा हो चुका है। लेकिन अब RBI ने एक नया नियम जारी किया है, क्योंकि बैंक है वो यहाँ पे सुरक्षित रहें, कोई भी बैंक उड़े नहीं NPA होने की वजह से, ठीक है, ताकि बैंकों को मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग और बैंक स्ट्रॉन्ग रहें, और इसलिए RBI ने ये रूल लाया है। क्यों रूल लेके आया है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि आप अब बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अब उनको पहले से ही अनुमान के आधार पर ही, अनुमानित आधार पर ही अपने आप को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। उनको ये देखना होगा कि उनको कितना यहाँ पे NPA हो सकता है जिन लोगों को उन्होंने लोन दे रखा है, तो उनको अनुमान के आधार पे ही पहले से ही उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, घाटा लेना पड़ेगा और बुक्स के अंदर लिखना पड़ेगा कि इतना घाटा हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब आपको देखो प्राइवेट बैंक है वो तो थोड़ा संभल करके यहाँ पे लोन देते हैं, क्योंकि उनको तो मतलब लोन देना होता है, उनका रोजी रोटी वहीं से चलता है, तो प्राइवेट बैंक हैं वो कम NPA होगा, कम ही प्रोविजनिंग होगी। लेकिन PSU बैंक हैं वो ज़्यादातर लोगों के दबाव में आकर के, कई पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके दबाव में आकर के, और कई ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके दबाव में आकर के भी लोन दे देते हैं, और ज़्यादातर जो लोन हैं जिनके NPA हुए हैं वो यहाँ पे जो PSU बैंक है सरकारी बैंक है उनके हुए हैं। तो अब जब वो अपने आप के अंदर अनुमान के आधार पर प्रोविजनिंग करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, PSU बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो NPA हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि उनके ऊपर ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और इस वजह से देखोगे कि पूरा बैंक जो निफ्टी है वो डाउन है, और पूरे बैंक्स के लिए ही ये चीज़ ख़राब हो चुकी है। अब आपको इमीडिएट इफेक्ट तो ये ख़राब दिख रहा होगा कि लोगों को जो बैंक हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अभी अनुमान के आधार पर घाटा बुक करना पड़ेगा, उनको दर्शाना पड़ेगा कि इतना घाटा हो चुका है, चाहे वो फ्यूचर के अंदर रिकवर हो जाएगा तो उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन अभी उनको क्या करना पड़ेगा, घाटा बुक करना पड़ेगा, जो अभी यहाँ पे प्रॉफिट उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के अंदर से उनको घाटा निकालना पड़ेगा, तो उनको कम प्रॉफिट दिखेगा, जो क्वार्टरली प्रॉफिट आता है वो कम आएगा, मार्जिन्स कम होंगे, तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत सही चीज़ होने वाली है। RBI भी ये चाहता है कि बैंकों के NPA कम हो, और बैंकों को यहाँ पे बार बार के अंदर जो लोन देते हैं तो वो लोन भी बहुत छानबीन करके दे, लोन जो लोन दिए हुए हैं उनसे भी पैसा वसूलते करते रहें, तो ये सब चीज़ें हो मतलब RBI चाहता है, ताकि कोई बैंक उड़े नहीं। तो इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से बैंकों के लिए फ़ायदा हो गया लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन इमीडिएट को ये हो गया कि इमीडिएटली उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो कि वो यहाँ पे घाटा करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो असेट और लाइबिलिटीज़ जो बैंकों की है वो बुक्स के अंदर जो बैलेंस शीट है उसमें मिसमैच हो जाएगा। अगर मिसमैच होता है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा जुटाना पड़ेगा, क्योंकि घाटा है उसको यहाँ पे
पूर्ति करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूंजी जुटानी पड़ेगी। अब पूंजी जुटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा कुछ टाइम चाहिए, तो जो भी जितने भी बैंक हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए आरबीआई से, वो ऐसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, तो ये जो रूल है उसको हम थोड़ा टाइम बाद में लागू कर दें। और इसका इम्पैक्ट है वो आपको मैं बता दूँ, जो बैंक के ग्राहक हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए ये जो नियम है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार भी ये चाहती है कि ये जो नियम है वो थोड़ा सा डिले हो लागू होने में, लेकिन आरबीआई है उसने सरकार का या फिर और किसी का ठेका नहीं ले रखा है, वो है बैंकों का रेगुलेटर। बैंक उड़ने नहीं चाहिए, बैंकों को संभाल के रखना है। जिस प्रकार से यूएसए के अंदर बैंक उड़े हैं वो सिचुएशन इंडिया के अंदर नहीं बने, और वैसे भी इंडिया का जो रेगुलेटर है वो बेस्ट रेगुलेटर है, तो ये बेस्ट ही बने रहना चाहता है। इस वजह से जो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ, डिफेंसिव जो यहाँ पे जो कदम है वो उठाते रहे हैं और उठाते जाएंगे। तो ये चीज़ थी जिसके कारण आज बैंक निफ्टी और मार्केट है वो दबाव के दबाव में है, और इसी दबाव के कारण ये थोड़ा सा मार्केट है वो हाई जो ऑल टाइम हाई है उसके पास में है, और ये न्यूज़ ऑल टाइम हाई के पास में आई है तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लोगों के अंदर डर आ जाता है। बाकी ये चीज़ है वो गलत चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ होने वाली है बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और मार्केट के लिए भी, तो इस चीज़ को गलत नहीं लेना है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़े दिन के लिए होने वाली है, अब लेवल्स आने वाले हैं तो वहाँ से वापस से ऊपर की चाल शुरू हो सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो में जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।